पप्पी शप्पी करो उनको तो मतलब पप्पी शप्पी क्यों करोगे आप लड़की को? ओके नाज़रीन, तो हम पहुंच चुके हैं मशहूर सेलिब्रिटी के घर और ये हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? उनीजा डार। और हमने आज एक स्पेशल वीडियो शूट करनी है। इट्स नॉट लाइक अ बेसिक व्लॉग। उनीजा थोड़ा बताए ना कि होगा क्या, मतलब आई थिंक कोई रिएक्शन टाइप। हाँ, स्ट्रेट अप बता दिया उनीजा, रिएक्शन हमने करना है। और एक ये मुख्तलिफ वीडियो है, इसका नाम है पता नहीं क्या, नस्ट चर्स की कोई वीडियो है। तो खैर, नस्ट यूनिवर्सिटी है ना, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। दिस गाय इज वेरी क्यूट, मतलब उसका स्वेटर। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू हैव पिज़्ज़ा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू लेटर। ओके गाइस, लाइक आई मेंशनड, आज एक डिफरेंट वीडियो, आज हम रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं। हम मैं सोच कह रही हूँ बिकॉज कोई और भी है, वो अभी और कहीं गया है, ये कुर्सी खाली है। तो वीडियो का नाम है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान नस्ट इस्लामाबाद वॉकी टॉकीज। चैनल का नाम है इन लाफिंग कलर्स एंड इस वीडियो को ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, इस 957,000 पे अभी। तो रिकमेंडेशन पे आ रही थी तो हमने सोचा ये वीडियो हम देख लेते हैं। और ये हमारी पार्टनर अभी आ चुकी है, क्या लाइए अनीजा मेरे लिए? ऑरेंज जूस, फ्रेश फ्रेश दिखा तो दे कैमरे में, दिखा फ्रेश फ्रेश ऑरेंज जूस। इसके अंदर अभी इतना फ्रेश है, आपको पता चल रहा है इसके अंदर अभी बीज आपको नजर आ रहे हैं, इतना फ्रेश है, डब्बे वाला नहीं है। तो ये तो वीडियो का नाम मैंने बता दिया। अच्छा, अब अनीजा बैठती है तो हम जजमेंटल होते हैं फिर और जज करते हैं लोगों को। चीयर्स। ओके, क्यूएस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी नस्ट, जिसे 3 तरफ से पहाड़ और 1 तरफ से शहर टच होता है, नो लेस देन अ हिल स्टेशन, नस्ट की लाइफ का अपना ही स्वैग है। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट बॉडी हॉस्टलाइट है और अक्सर लोग कर्फ्यू टाइम के कम होने से तंग है। मजे की बात तो ये थी कि यूईटी की वीडियो के बाद आपको क्या सिखाया? काफी कुछ, ये कि अगर पाकिस्तान में कुछ सही से चल रहा है ना तो थैंक्स टू आर्मी। क्या बात है, नस्ट ने आपको क्या सिखाया? यार ये बंदा मुझे लग रहा है कि उल्टा सीधा जवाब देगा, इसकी हाल ये चेक करें ना पॉकेट से, ये होते हैं निशानी नर्वसनेस की, या तो उसको हाथों को जब हिलते हैं, या तो उसको, या तो इसको कहीं इमरजेंसी के जाना है, या तो ये डरा हुआ है। अभी जवाब चेक करते हैं, नस्ट ने हमें क्या सिखाया? नस्ट ने हमें क्या सिखाया? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन बड़ी अच्छी पार्टी कराते हैं और खास तौर पे बच्चियों से इंटरेक्शन होना बड़ा सिखाया। ये क्या है ये वाला, बच्चियों से बच्चियां, तो बच्चियां कोई लड़की आपको नजर नहीं आएगी किसी लड़के को बच्चा कहते थे, लेकिन ये बंदे ने आज इस वजह से इस्लामाबादी लोग बदनाम है, बर्गर कहा जाता है उनको, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। खैर चले, नस्ट ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी गालियां सिखा दी हैं, बदले कभी प्यार नहीं मिलता। अच्छे दोस्त आराम से नहीं मिलते अभी तक, वो तो हर जगह में।
नस्ट में बहुत कुछ सिखाया जो जिंदगी ने नहीं सिखाया. वाह वाह, क्या सिखाया यार? डांस करना, गाना डांस कर, ये तो मेरी वाली बात है. कुछ अपोजिट जेंडर के साथ कभी कभी बात कर लेना. उन्हीं के पीछे पीछे लिखा ना स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, तुम याद नहीं? जाओ तुम्हें क्या नाम है इसका, स्कूल नस्ट, स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन. बहुत ही ऐसे मुझे कोई वो लग, फिर तुम भी कहना मुझे बड़े बच्चे मिले यहाँ पे. मीन होना सेल्फ ने मतलब मीर होना सिखाया. अपना फायदा. हाँ अपना फायदा, बिल्कुल ठीक ठीक. तो जरा सैंपल. पंजाबी गानियाँ जिस तरह दुर फिटे मुँह चावल, और फिर क्या नाम है ये लोग जिस तरह नस्ट की गालियाँ ठीटे, और ये गालियाँ नहीं है. कम ऑन कम ऑन यार, नस्ट ने चूतिया बनना सिखाया है. मतलब कि यूनिवर्सिटी में आया मैंने सोचा इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन अब इंजीनियरिंग मुझे कर रही है और करती रहेगी आगे. इंजीनियरिंग इज डूइंग यू? यस, इंजीनियरिंग इज डूइंग मी हार्डकोर. यार नेक्स्ट ने मुझे ये सिखाया कि चुकना सीखो ये, इससे पहले कि आपको ना चुक दिया जाए. भाई टीसी करनी, ग्रेड लेने सिखाए हैं, जॉबलेस रह के. ये तो अभी देखें, ये आया ऐड आ गया नेटफ्लिक्स का, तो बंद करें. नहीं चाहिए, स्किप करिए. पैसे कमाने नहीं छोड़े. तुम्हें खुश रहना सिखाया ना उसने, लाइन मारनी सिखाई है, पूंडी करनी सिखाई है. भाई मतलब तुम सही कह रही थी, फातिमा को होना जरूरी है इसमें. ये फातिमा टाइप लड़की है. नहीं ये लड़की शी इज बीइंग वेरी वो होता ना ओपन. आई थिंक एक्स्ट्रा आपकी कोई रिलेटिव है जिनको आप बहुत करीब से फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे? आई थिंक सो. नूर से पूछिए, वो बताएंगी कौन है. मैं इंस्टाग्राम फॉलो करती हूँ, हमें भी बहुत दफ़ा दिखाती हैं स्टोरीज उनकी, मुझे उस टाइप की लग रही है. नहीं एक्चुअली आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ इनको. एक मिनट रुके, ये मुझे लगता है ये सिंगर, आई थिंक शी इसने इसने अली जफर के साथ गाना गाया था, मुझे याद आ गया. नहीं आई एम ऑनेस्ट विद यू, हंसो मत. यस यस, अब इस दो मिनट रुको बस यार, तारना शाली. यार मेरा डिपार्टमेंट वो है जहाँ सबसे ज़्यादा आपको ना हाथ चलाना पड़ेगा. एक पहले आपको टीचर के उठाने पड़ेंगे, फिर अगर आप डेस्परेट हो गए तो हाथ से जाके भी हाथ ही चलाना है. मतलब इन शॉर्ट सिविल इंजीनियरिंग. ऐसी कौन सी बात है जो नस्ट वालों में है और कहीं और नहीं है? चुती आप ये है बिल्कुल नस्ट वालों में है और किसी में भी नहीं. यार क्लास है यार, नस्ट वाले मर्द होते हैं, समझ रहे हो ना आप? मर्द और क्या होते हैं बाकी, क्या बस लेवल होता है तो किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चों. इन्होंने सब मर्दों को टेस्ट किए ना, इनको इस वजह से किसी और यूनिवर्सिटी नम्स के बच्चों का भी नहीं. छिछोरापन थोड़ा कम है बाकियों से. अच्छा कम है? हाँ. ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड. ऑनेस्टली नस्ट के स्टूडेंट्स थोड़े से बोरिंग है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज के नहीं होते. इनको एक्सपीरियंस है ना ये ज्यादा अरसा. अब ये फिर आगे लड़की जो ज्यादा यूनिवर्सिटीज के नहीं होते. बंदी का वजन अगर नॉर्मल 50 किलो है ना, तो आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे 55 किलो होगा. 5 किलो मेकअप पे लग जाता है उनका. इसने कहा कि तुमने इसके अल्फाज सुने, एक मिनट सुनो आप. नो ऑफेंस इफ यू वाचिंग दिस. 5 किलो मेकअप पे लग जाता है उनका. पप्पी छप्पी करो उनको तो मतलब. पप्पी छप्पी क्यों करोगे आप लड़की को, क्यों करोगे आप? जिसने मेकअप किया होता है वो आपको अपने चेहरे के पास आने नहीं देगी. उन्हीं से जब तुमने मेकअप किया, मैं तो पपिया शपिया करती, मुझे पहले ये बताओ 5 किलो मैं आपको दे दूं. से ये मेरी रियलिटी चेक मिला है कि हम उकाब में रह के बात करें. एग्जैक्टली. ओके माशाल्लाह sister, I'm very truth you are speaking. Let's watch. सांस नहीं आती आपको थोड़ी देर में, बेस इतनी मल्ली होती है. लेकिन अच्छा मेकअप उन्होंने लगाया, वो सांस इसको नहीं आ रही, अंदर से अटक रही है. हुसन बहुत है, हुसन बहुत है, और आप हुसन परस्त हैं जो लड़कियों के पीछे हैं. मेरे रश के कमर रश के जो बच्चे हैं ना बहुत बहुत मुलायम है. मुलायम बर्गर बच्चे हैं फुल टाइम. वो ही नहीं है अपनी सही बात है, नजर ही नहीं आता कहीं पे. काफी मतलब लिबरल है हम लोग, पप्पू होते हैं, लिबरल है, तमीज़दार होते हैं. स्पेशली इफ यू फ्रॉम लम्स तो आपको लगेगा यहाँ पे ज्यादा तमीज़दार हैं और मोर हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. व्हाट लाइक ये बंदा लम्स का है, लेस शो पे, वेरी नाइस पीपल जनरली.
बेसिकली इनको पार्टी का मौका नहीं मिलता वो ये लम्स लम्स के अंदर से देखा फट रहे फट रहे फट रहे हमारे भी कुछ कैफेज हैं जहां पे बहुत पार्टी ऑन होती है 9 बजे खत्म हो जाता है ये बंदा चाहता था कि अपने मुंह से बोले कि पार्टियां होती हैं यहां पे और इसने बोल दिया हमारे बड़े कैफेज हैं ना कम बहुत कूल है हमारे तो बड़ी लेवल है भैया जी कैमरे में देख रहे हो ये खासियत है नस की तो नस में मतलब प्यारी है बोलती है तो मतलब लड़की दूसरों की तारीफ करी जा रही है अपने बारे में भी कुछ ये क्या है ये लड़की नहीं यार इसका मैं पता लगा ले कौन है आई थिंक आई हैव सीन हर समवेयर लड़कियों की ये इतनी बातें मिले तो बता देना हाँ। कि हमको ये बिल्कुल हम इस वीडियो के अंदर पता लगेगा ये लड़की कौन है और आपको भी दिखाएंगे क्योंकि ये लड़की बहुत लाइक शी इज टॉकिंग फनी स्टफ बट शी इज टॉकिंग मतलब सोच नहीं आई डोंट थिंक शी इज थिंकिंग व्हाट शी इज सेइंग गोली मार दूंगी इसको एडसेंस को नेटफ्लिक्स इस वजह से नेटफ्लिक्स ओके लेट्स कट टू द नेक्स्ट शॉट ओके उनीजा ये ऐड बनी उसके नस्ट में मोहब्बत का क्या सीन है कोई स्कोप नहीं है भाइयों कोई स्कोप नहीं है जिस लड़की के पीछे जाओगे वो किसी और लड़की के पीछे है और जिस लड़की के पीछे जाओगे वो किसी और लड़की के पीछे ओह माय गॉड नहीं 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 इसने लड़का कहा है लड़की का लड़का का क्या कहा लड़की से मोहब्बत कर बैठे क्या इन्निल्लाह राजू और आपको पता है वो सारी एक नंबर की आप कहते हो बीसी पन है सारा और कुछ नहीं है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या हो रहा है जिसके पीछे आप जा रहे हो किसी और के पीछे जा रही है सर्कल ऑफ लाइफ है और उसके बाद पता चलता है वो आपके दोस्त के साथ पीछे ना जाओ उसको आपके पीछे आने दो तू लड़के के पीछे भागेगा लड़की पैसे के पीछे भागेगी तू पैसे के पीछे भागेगा लड़की तेरे पीछे भागेगी कोई सीन नहीं है पैसा और गाड़ी और क्या चाहिए वो एक थी ना मूवी की लाइन हनी है तो मनी है वही वाला सीन है वाह है वाह उल्टा बोल दिया इसने मनी है तो हनी है उसने हनी है तो मनी है बोल इस वजह से तुम बाप के पास कोई टिकता नहीं है आप वो देख लिया यार हमें कोने में लगाया है नाइस का डिपार्टमेंट है हमें क्या पता मोहब्बत का क्या सीन है ऑफ है लोगों की वजह से ऑफ है वैसे तो आप जो मर्जी जहाँ मर्जी करें सर सोचा था यूनिवर्सिटी आऊंगा प्यार शार होगा कि लड़की शड़की मिलेगी लड़की तो मिल ही नहीं रही वर्कशॉप के अंदर इतने बड़े बड़े लोंडे होते हैं इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं बस वही हाथ पकड़ते हैं उसी की आदत होगी अब मोहब्बत ही मोहब्बत है लड़की लड़की लड़का लड़की प्रोफेसर बच्ची कोई मसला ही नहीं है हमारे प्रोफेसर ने पहले बैच की बच्ची से शादी की थी या व्हाट इज दिस बच्ची 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 नॉनसेंस उनी से व्हाट इज दिस आई डोंट लाइक इट आई डोंट वांट टू गो टू नस्ट बट आई एम नॉट गोइंग टू नस्ट बट व्हाट इज दिस यार व्हाट इज दिस नस्ट और मोहब्बत का व्हाट आर यू सेइंग यार कोई नहीं बनता मतलब नस्ट आगे बंदा मोहब्बत नहीं करता सिर्फ मजे करता है दूसरे मोहब्बत नहीं होती आपकी कुंडी 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 अच्छी होती है मोहब्बत नहीं हो सकती भाई नस्ट में लड़के ही नहीं है और वो भी छठे में मिले तो हमें तो लड़के मिलते तो हमें तो नस्ते बाहर जाके लड़के ढूंढने पड़ते हैं तो हो सकता है लड़के भी यही बात बराबर का शरीर मतलब हम साहब क्योंकि लड़की लड़की चल रहा है तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ये तो सोच वाकई इतनी लॉन्ग डिस्टेंस से करना पड़ता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल बॉयज आई अपोलोजाइज यार मुझे तो आज तक मोहब्बत नहीं हुई पर आशिक यहाँ पे बहुत नजर आते हैं हर दूसरी गली में बैठा होगा कोई ना मैं कहता हूँ नस्ल हो गया बनारस हो गया मोहब्बत तभी होगी जब कोई मोहब्बत करने वाला या करने वाली होगी मतलब सीन ओके ओके ही है डिपेंड करता है अपनी गेम पे डिपेंड करता है नस्ल में मोहब्बत का भी बड़ा गंदा जीने हाथों से मोहब्बत जिंदाबाद बॉयज हॉस्टल रह लूंगी लड़कियों का हॉस्टल कोई सीन ही नहीं है बुरी बात बुरी बात अच्छी बात है अच्छी बात भाई बुरी बात है अंकल मजबूर क्यों पैदा होते हैं इन्हीं हॉस्टल्स की वजह से होते हैं आंटी मजबूर है हर रूम में आपको एक आध राबिया मिलेगी तो इट्स अ गुड एंड अ बैड थिंग यार अच्छी हॉस्टल में अच्छी बात बहुत वो मुझे बहुत ज्यादा फिट लगती है अच्छी बात ये कुंडी चढ़ाओ कंबल पाओ तो शुरू हो जाओ पढ़ाई बुरी बात ये कि यार लोहे के बैठे कचकच बहुत गिरते हैं सिगरेट नहीं पीने देते यार बड़ी तो सैड बात है काफी सैड बात है अच्छी बात ये है कि यार बाथरूम में वाईफाई के सिग्नल बुरे आते हैं टोटर बिल्कुल साथ लगा हुआ और बुरी बात माँ के हाथ का खाना नहीं मिलता है ये बात इतना इमोशनल
अच्छी चीज हुई है कि फैमिली बन जाती है किसान की घर से दूर रह के. बुरी चीज ये है कि वीकेंड पे अक्सर हम घर जाती है तो जो दूर के हैं दे फील काइंड लाइक हम क्यों नहीं घर जा रहे. तुम्हें बड़ा नहीं देखा इस तरह वीडियो देखे लम्स सीक्रेट ये कि जब दिल चाहे आपका जिसकी दिल चाहे उसी वक्त दे दो. अच्छा सीक्रेट. एक तो सबके सीन पता लग जाते हैं किस किस का चल रहा है क्योंकि हॉस्टल के बाहर छोड़ने आते हैं ना तो ये खबर रहती है. अच्छा, छोड़ने पर्दे के पीछे क्या है. पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ. अपना नहीं सीन बताएंगे आप दूसरों के सीन. आप लम से तो आप लोग चरस चरस कर सकते हैं ओवरडोज. सॉरी दैट्स नॉट अ जोक. मतलब वहाँ पे चरस चरस का सीन है. यहाँ पे थोड़ा तमीजदार लोग एंड यू नो आर्मी कोक टू बी प्रिसाइज. द ओनली कोक वी हैव इज अ ब्लैक ड्रिंक. या राइट. अच्छी चीज ये है कि स्नूकर है हमारे पास टेबल टेनिस है और बहुत सारे लड़के हैं. बुरी चीज है कि सिर्फ लड़के यार. यहाँ लड़के लड़के लड़कों की बातें कर रही है लड़कियाँ लड़कियों की बातें कर रही है. मुझे नहीं समझ आ रहा. This is like क्यामत की निशानी है यार. बस अब हम क्या कहें. अब चल फिर ऐड आ गया. कसम खुदा की मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में. हाँ हॉस्टल में ये एक अच्छी बात है लड़कियां पता है मुझे वही पढ़ी है तो उसमें लड़के नंगे घूम सकते हैं. लेकिन दूसरी तरह ये भी है कि आप आंखें बंद करें और आंखें खोलें तो आपके आगे लड़का लड़के ही लड़के हैं. लेकिन एक मैं बड़ा मतलब लकी फील करता हूँ कि मैं हमारे हॉस्टल में एक खातून भी है. लेकिन इट्स ओके इट्स ओके. वो यार मैं तो कहता कर्फ्यू हटाओ. आई थिंक ये डीन को कहते हैं जो हेड कर्फ्यू हटाओ यार बस. बच्चियों से भर दूंगा नाइस को. सारी बच्चियां नाइस में ले आऊंगा और कोटा चेंज कर दूंगा. सिविल में 75% बच्चियां 25% बच्चे. बेसिकली इर्द गिर्द जितने भी चर्सी लड़के सिगरेट पी रहे हैं ना उनको 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड कराऊंगी. इसने अभी कहा है कि द ओनली कोक वी हैव इज अ ब्लैक ड्रिंक. द ओनली कोक वी हैव इज अ ब्लैक ड्रिंक. तो चर्सी लड़के किधर से आ गए. इसका मतलब आप बस ये ऊपर रुक रही तारीफें कर रही थी. कोक पी के हमें तो नहीं ना कभी चर्स का महसूस होता. कोक या कोक ताकि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो उनका सेमेस्टर मिस हो जाएगा. मैं क्रिकेट ग्राउंड में लेटे लगा कि अभी वहां पे जीरो मतलब लगे वहां मतलब कुछ लगा ही नहीं हुआ. यकीन माने टोटली वैक्यूम खत्म कर दूंगा मैं. लड़कियों का क्या. नहीं लड़कियों को कौन कहता है. लड़कियां तो हमारे पास बेशुमार है. लड़कियों का मसला नहीं है. एनवायरनमेंट यू नो आई थिंक दैट इज कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा. वैक्यूम का वैक्यूम खत्म कर दूंगा मैं. लड़कियां तो हमारे पास बेशुमार है. झाड़ू खत्म कर दूंगा मैं. लगे वहां मतलब कुछ लगा ही नहीं हुआ. यकीन माने टोटली वैक्यूम खत्म कर दूंगा मैं. लड़कियों का क्या. नहीं लड़कियों को कौन कहता है. लड़कियां तो हमारे पास बेशुमार है. लड़कियों का मसला नहीं है. एनवायरनमेंट यू नो माहौल उसका मसला है सिर्फ. बेचारे 4-5 जो कपल्स हैं उनको हाथ पकड़ने की परमिशन दे दूंगी मैं कर्फ्यू टाइम खत्म कर दूंगा मोस्ट प्रोबब्ली. लेट आने वाला. यस सर. जो जिंदगी में अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकता वो चाहता है दूसरे लोग अपने ख्वाब पूरे करें. तो ये लोग नहीं कर पाए तो वो चाहते हैं कपल्स करें. वो लड़की किधर गई है यार. वो वाली लड़की बहुत नहीं है कि कर्फ्यू टाइम ना हो. बाकी सब सेट है यहां पे. रे पार्टी एक अच्छी वाली मुझे इसको देख के गाना है. नहीं नहीं यार आपको पता है इसका आंसर बोल है भी. सबसे पहले तो मैं बच्चों की क्लासें कैंसिल करवाऊंगा और जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ना उनके मैं NBS और S3H में जो है ना वो टूर करवाऊंगा ताकि उनको ये अंदाजा हो कि जिंदगी है कैसी. जिंदगी में सिर्फ एक जेंडर नहीं है दो जेंडर है. अच्छा। फीमेल और मेल. अमेरिका जाओगे ना आपको 6-7 जेंडर मिलेंगे. दुनिया में पाकिस्तान में भी आप कह रहे हो पाकिस्तान में बड़े जेंडर है. Don't discriminate, it's okay? True. Okay. मुझे अगर एक दिन के लिए नस्ट का VC बना देना तो मैं खुले सिगरेट पिलाऊंगा. यार ढाबे तक जाना पड़ता है. अच्छा मतलब ये क्या है. इसको तो सिगरेट की कोई सिगरेट ला के दे इस बॉय को. तरसा हुआ है सिगरेट के लिए ना. इसको लगाए कोई कश होगा. ढाबा बनाऊंगा ऐसे ही पराठे शराठे मिला करेंगे. okay. खाना शाना सस्ता होगा. फुल बच्चियां सच्ची होंगी. लिट सीन होगा. गुड सीन होगा. रेव कराऊंगा मैं.
मैं इधर वीड लीगल कर दूंगा यार देखो हमारा इतना कोई स्वैगी एक्टर है सब कुछ अलाउड है रेव पार्टियां यहां पे होती हैं बच्चियां इधर डांस करती हैं डांस करने का मतलब रेव पार्टी में हो जाए ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे कौन सा डांस होता है ये मुझे भी कोई बताए ऐसे ये होता है आई थिंक कुछ कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी बातचीत की और कुछ लोगों ने सिर्फ बातचीत की मेरी टीम का शुक्रिया जिसके बगैर ये कुछ भी ना हो सकता ओके गाइस तो हमें रिएक्शन दे दिया आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नस्ट इस्लामाबाद वॉकी टॉकीज जस्ट वांट टू से कि दिस गाय नेम इज अलीजार और ये वीडियो मुझे अच्छी लगी थी बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू गो समवेयर बंदा लाहौर के लम्स का ही वेंट देयर उन्हें रिकॉर्ड किया है टाइम अपना लगाया है अब जहाँ तक उस लड़की की बात है तो हम अभी पता लगाएंगे वो लड़की को और दूसरी बात ये भी कि जिन्होंने यू नो रिस्पॉन्ड किया इनके आंसर्स को उनको भी लाइक हैट्स ऑफ टू यू हर किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली उस लड़की का मुझे नाम आई थिंक आता है नाम मतलब पता मैंने क्योंकि इंस्टाग्राम पे उसको देखा था अली आई फॉलो अली जफर तो वहाँ पे आई सॉ दिस तो लेट्स सी इफ दिस इज द गर्ल लड़की का नाम है योशल एंड अली जफर के साथ ये उसका क्या नाम है यू नो एक उसका निकनेम है क्या असल का नहीं इसका असल नाम है योशल शाहिद आई गेस एक मिनट ओके क्या नाम है लीजा यशाल शाहिद यशाल शाहिद है एंड आई थिंक शी इज अ सिंगर यही लड़की ना यही लड़की है ओके सो अब देखते हैं आवाज कैसी इनकी तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया मैं मरते गई हां फिर सा क्यों Yeah, I did not expect it. Seriously, अंदर से निकल रही आवाज और it's like really really deep. जगनू रवाया मैं तैनू हसाया फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया तेरी यादा सहारे मैं जीते रवांगी ऐसे डीप है यार डीप आवाज है सो लगता है ना दर्द है ना बच्चियों का दर्द ये तुम्हारी पैरेंट्स से देखती हैं एक्स यादव ये बहुत बड़ी प्लेयर एक्स मैथ्स का ओह वाई एक्स वाला वो वाला एक्स माइनस टू हाँ एक्स माइनस टू ये गाना सुनकर मैं मैथ्स मैथ्स यादव सही सही बात है I think it's really, really nice song.
एंड मुझे नहीं पता ये कवर है, ये कवर है, किसी गाने का कवर है और बहुत अमेजिंग है. मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि जिस तरह का इंटरव्यू दे रही थी वो बिल्कुल यार बच्चियां यार हुसन यार ये वो और पता नहीं क्या क्या डीन ने और ये और शादी कर ली. लेकिन किसने शादी कर ली? डीन ने हमारी ना एक फर्स्ट ईयर की बच्ची से शादी कर ली. अच्छा. हमारी ना फर्स्ट ईयर के बैच की थी लड़की और राबिया होती है एक हॉस्टल में और 5 किलो मेकअप लगा के पपियाँ शपियाँ और पता नहीं क्या क्या. ओके गाइस, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आपने क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब और बहुत ही पसंद आ जाए तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपने और किस तरह की वीडियोस देखनी है. टिल देन वी विल सी यू लेटर. करने तो दो अल्लाह हाफिज. तुम्हें ज्यादा जल्दी हो रही जाने की. 1 2 3 ये इधर मैं तुम्हें जोड़ूंगा.